सर को ब्लू कलर्स में काफी इंस्पायर किया, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स घर में ब्लू कलर्स की होती है, और नील जो हम कपड़े धोने में हम यूज करते हैं वो इजीली मेरे को घर में मिल पाता था, तो मैं उससे काफी खेलता था ब्लू कलर को लेके। तो नील में काफी इजी गोइंग सब्जेक्ट था और काफी पेंटिंग्स भी बना लेता था मैं। बड़े होते होते मेरी पेंटिंग्स में आने लगी है। देन आफ्टर टू टाइम्स मेरा लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी दो आर्ट वर्क मेरे आए, और काफी एक ब्लू पेंटर के तौर पे समाज में मेरे को एक पहचान मिलने लगी। जितने भी मेरे वर्क्स थे सब ब्लू में होने लगे। आमतौर पे जैसे मेरी काफी सारे सीरीज वर्क्स रहे हैं, जैसे फर्स्ट मेरा लाइफ इन उदयपुर रहा, देन आफ्टर मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेश, जिसमें कि गणेश की मूर्ति को जो पानी में आप डाल देते हैं तो उसके कलर्स कैसे मेल्ट होते हैं वो फॉर्म्स आप उस सीरीज में देख सकते हैं। फिर एक अंडर वाटर सीरीज आई, उसके बाद में यूनिवर्स सीरीज करी, ब्लू बोर्ड सीरीज करी, ब्लू लाइट सीरीज के मेरे काम रहे। तो ये सारी जर्नी जितनी भी मेरी रही एक ब्लू कलर्स के अंदर एक नई पेंटिंग्स को निकालने की पूरी कोशिश रही। जब मेरी शादी की प्रिपरेशन चल रही थी तब वो एक दिमाग में छोटा सा एक आइडिया आया कि क्यों ना इतनी सारी वर्ल्ड में रेक्टेंगल और ट्रायंगल पेंटिंग से अधिकतर देखने को मिली, तो क्यों ना एक रॉयल वेडिंग की तरह सर्कल कैनवास पेंटिंग की जाए जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी एक नया डायमेंशन दे। तो मैंने कोशिश करी की यूज 60 फीट सर्कल कैनवास को रॉयल एलिफेंट के रूप में पेंटिंग करने की। शुरुआत में कोशिश करता हूँ तो ब्लैंक होता है माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि पिछली सीरीज की मेरी पेंटिंग्स काफ़ी बिकी है या काफ़ी हाईलाइट रही है, तो मैं कोशिश करूँ कि वापस उनको रीपेंट करूँ। बट हाँ, जो मेरा मेरिन कलर्स और ब्लू कलर्स के पीकॉक ब्लूज और ये लुक होते हैं उनको मैं अपने चारों तरफ सारे ब्लू कलर्स के शेड्स को जरूर मैं एक बार फैला लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि डायमेंशंस नए हों, कलर्स नए हों, थेरेपीज नहीं हों और टाइटल्स नए हों। काफी देर सोचने विचारने के बाद जब किसी माहौल में पहुंचता हूँ तो मैं उसको निखारने की कोशिश करता हूँ कि अब इसमें अंडर वाटर सीरीज कर रहा हूँ तो बेटर से बेटर ब्लूज में कितना कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे पेंटिंग से बाहर निकल के आती जाती है अपने आप उसमें एक लुक आने लग जाता है और एक परफेक्ट टाइटल मेरे को पता लगने लग जाता है कि ये किस थॉट की तरफ जा रहा है या ये कौन सा सीरीज वर्क बनने वाला है। आमतौर पर जब भी कोई पेंटिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है देन आफ्टर माइंड में आइडिया आता है कि भाई अब इसको दुनिया से रूबरू कैसे किया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ वाकई में इसकी ट्रू वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो मैं उन आर्ट लवर से कॉन्टेक्ट करता हूँ, कई मीडिया राइटर्स, कई मिक्सिंग राइटर्स होते हैं, तो उनसे काफ़ी मेरे उनकी इमेजेस को दिखा के व्हाट्सअप करके उनसे डिस्कशंस होते हैं, फिर वो एक जर्नी डेवलप होती है। जैसे लिम्का बुक का काम मेरा 2013 में हुआ, 14 में हुआ, देन आफ्टर 15 में लिम्का बुक रिकॉर्ड रहा, लेकिन 2 साल मेरे को जस्ट उसको पब्लिश करने में लगे। देन फर्स्ट टाइम अभी जयपुर आर्ट समिट में पब्लिकली मैंने उसको डिस्प्ले किया। तो एक अच्छे मौके की तलाश हमेशा एक आर्टवर्क को जरूरी है। आप जब भी कोई इंस्पिरेशन लेते हैं या किसी बड़ी आर्टिस्ट से आप इंस्पायर होते हैं, कोई भी अगर न्यू आर्ट कवर या आर्ट स्टूडेंट है तो उसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आर्ट डायमेंशन और आर्ट कलर्स मेटेरियल्स सब बाजार में उनकी तरह हमें भी वही मिलते हैं, उनको भी वही मिलते हैं, बट दे आर जस्ट ए मेटेरियल। आपने अपनी लाइफ स्टाइल में किससे इंस्पायर हुए, क्या थॉट्स से इंस्पायर हुए और क्या नए डायमेंशन को आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो आज तक दुनिया ने देखा नहीं। इंस्पिरेशन लें खूबसूरती का, बट अपने अनुरूप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें।